नमस्कार, आपका स्वागत है जस्ट हिंदी में। मैं हूं आपके साथ राशि और अब वक्त हो चला है कुछ अच्छी खबरों का, तो आइए बढ़ते हैं आज की पहली गुड न्यूज की ओर। दुनिया में हजारों लोग किंग ब्लड डिसऑर्डर से जुड़ी बीमारियों का सामना कर रहे हैं, लेकिन अब इसका इलाज हो सकेगा। जी हां, इसे लेकर ब्रिटेन ने दुनिया की पहली जीन थेरेपी को हरी झंडी दिखा दी है। यूनाइटेड किंगडम में मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेटरी एजेंसी यानी MHRA ने जीन थेरेपी को मंजूरी दे दी है। इसकी मदद से ब्लड डिसऑर्डर सिकल सेल डिजीज यानी SCD और बीटा थैलेसीमिया को ठीक किया जा सकेगा। कैसीवी नाम की थेरेपी में जीन एडिटिंग टूल क्रिस्प का उपयोग किया जाता है और भारत के लिए गेम चेंजर हो सकता है। बता दें कि दुनिया में सबसे ज्यादा थैलेसीमिया और SCD के रोगी भारत में। भारत SCD और बीटा थैलेसीमिया से पीड़ित रोगियों की भारी संख्या से जूझ रहा है, जिसमें 2 करोड़ से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। अकेले थैलेसीमिया मेजर में सालाना 10,000 से 15,000 बच्चों का जन्म होता है, जिन्हें बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत होती है। ये पूरी यात्रा काफी चुनौतीपूर्ण होती है। भारत में इस अभूतपूर्व तकनीक को लागू करने की लागत 1.2 मिलियन से लेकर 1.7 मिलियन के बीच होने का अनुमान है। वर्टेक्स फार्मास्यूटिकल और CRISPR थेरेप्यूटिक्स के बीच सहयोग के बाद इसे MHRA की मंजूरी भी मिल गई है। वहीं अगर ट्रायल की बात करें तो इसमें 45 सिकल सेल वाले रोगियों का टेस्ट किया गया। इनमें से 28 ने ट्रीटमेंट के बाद कम से कम 1 साल तक दर्द से पूरी तरह राहत का अनुभव किया। इसी तरह गंभीर बीटा थैलेसीमिया के केस में 42 में से 39 प्रतिभागी कम से कम 1 साल के लिए ब्लड इन्फेक्शन से मुक्त किए गए। अब अगर कैसीवी की बात करें तो ये एक जीन एडिटिंग थेरेपी है। इसमें हीमोग्लोबिन एनकोडिंग के लिए जिम्मेदार जीन को मॉडिफाई करने के लिए क्रिस्पर Cas9 का उपयोग किया जाता है। जीन BCL11A को जब मॉडिफाई किया जाता है। 2013 में शुरू हुआ दुनिया का पहला 24/7 संस्कृत रेडियो दिव्यवाणी संस्कृत रेडियो इस वर्ष अपनी 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। इसके संस्थापक प्रोफेसर संपदानंद मिश्रा संस्कृत भाषा के समर्थक रहे हैं और प्राचीन भाषा को न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में लोकप्रिय बनाना चाहते हैं। विशेष रूप से 160 से ज्यादा देशों के लोग इस रेडियो के प्रोग्राम से जुड़ रहे हैं। कई श्रोता यात्रा के दौरान संगीत सुनते हैं और चलते फिरते समय का सदुपयोग संस्कृत सीखने में करते हैं। बहुत से माता पिता ने दिव्य वाणी के माध्यम से अपने बच्चों को संस्कृत सीखते देखते हुए खुशी व्यक्त की। मिश्रा के मुताबिक संस्कृत मानव चेतना को ऊपर उठाने की अद्वितीय क्षमता वाली एक अनूठी भाषा है। संस्कृत हमारी सभ्यता की जड़ों को समझने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण बन गई है। भारत के बच्चों को उनके शुरुआती वर्षों से ही संस्कृत का परिचय देने से वो हमारी समृद्ध विरासत से जुड़े रहेंगे। ये भाषा एकाग्रता, स्मृति, तार्किक सोच, मूल विचार शक्ति और रचनात्मकता जैसी संज्ञानात्मक क्षमताओं के विकास में विशिष्ट योगदान देती है। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत मन में और हमारी सामाजिक चेतना को आकार देने में संस्कृत का विशेष महत्व है। दिव्यवाणी संस्कृत रेडियो संस्कृत संस्कृति और विरासत के विभिन्न पहलुओं को शामिल करते हुए विविध प्रकार के कार्यक्रम पेश करता है। इसमें दिन की शुरुआत भक्तिपूर्ण प्रार्थनाओं और मंत्रों के साथ होती है। ये मनमोहक कहानियों के माध्यम से सभी उम्र के दर्शकों विशेषकर बच्चों का मनोरंजन करता है। मिश्रा ने बताया कि दिव्यवाणी की म्यूजिकल टेपेस्ट्री में बहुत से गीत, कविता, खबरें, नाटक, हल्के फुल्के चुटकुलों और हास्य कहानियां शामिल हैं। गुड न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर लौटूंगी कुछ अच्छी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए जस्ट हिंदी। आप फीडबैक हमें info@justbroadcasting.com पर मेल कर सकते हैं। नमस्कार।